टिकट वालों ने कुंवारा रख दिया था, उदयपुर वाटी वाला ने उतार दिया कुंवार बना, नवलगढ़ में नहीं हो तो उतरता कुंवार बना। और कड़ी एमपी और एमएलए दुनिया के भी जुड़े डी ही। उदयपुर वाटी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1,22,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा ने शिलान्यास किया। ऑक्सीजन प्लांट का 30 सितंबर तक काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद अस्पताल के प्रत्येक बेड पर लाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। ऑक्सीजन प्लांट के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि BCMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर, चेयरमैन रामनिवास सैनी, मूल सिंह शेखावत, किसान नेता विद्याधर गिल, CI मुनेशी मीणा, BCMO डॉक्टर भगवान सिंह मीणा थे। CSC प्रभारी डॉक्टर अमनेश गुप्ता की ओर से विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। अन्य अतिथियों का पार्षद राजेंद्र प्रसाद मारवाल, यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामकरण सैनी की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान CMHO छोटेलाल गुर्जर ने ऑक्सीजन प्लांट के बारे में जानकारी दी। विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कहा कि भाजपा के पिछले 5 साल के कार्यकाल में केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद चिकित्सा के क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया, जबकि उनके कार्यकाल में चिकित्सा के क्षेत्र में CSC, PSC और 89 के करीब उपस्वास्थ्य केंद्र विधानसभा क्षेत्र में खोले गए। उदयपुर वाटी के इतिहास में पहली बार बजट में बहुत सी सौगातें मिली हैं। बजट तो हर साल आता है, लेकिन बजट को अपने क्षेत्र में लाने के लिए जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कार्यक्रम पार्षद शिवदयाल स्वामी, श्यामलाल सैनी, शिव प्रसाद चेजारा, बबलू जांगिड़, ज्ञान सिंह शेखावत, पार्षद गजेंद्र सिंह, दशरथ सिंह शेखावत, अमित अली कछावा, बलाराम सैनी, खेमचंद राठी, पार्षद महेंद्र सैनी, कुलदीप कटारिया, दिलीप असवाल, माहिर खान, दौलत सैनी सहित कई लोग मौजूद थे। गेल का 5 साल में BJP का राज में, दिल्ली की सरकार भी BJP की, राजस्थान की सरकार भी BJP की, और दिल्ली और राजस्थान की सरकार की कड़ी से कड़ी जुड़ी रही, और कड़ी MP और MLA दोनों की भी जुड़ी रही। एक हॉस्पिटल जगह को पर आपको नाम लिखेड़ो तो बता दो, 5 साल का मायने एक PSC बनाई हुआ है, एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया हुआ है, एक CSC बनाया हुआ है, एक सिंगल काम करे हुआ है। पूंख में CSC थारा आशीर्वाद से मैं बनाई, गुड़ाम PSC बनाई, मनकसास में PSC बनाई, धमोराम PSC बनाई, सिंगनौर में PSC बनाई, केट के मायने PSC बनाई, छावसरी में PSC बनाई, बडागांव में CSC बनाई, केट में CSC बनाई, सराय में CSC बनाई, PSC बनाई, और उप स्वास्थ्य केंद्र है भगवान सिंह ने पूछे गिनती बने वागी 89 उप स्वास्थ्य केंद्र, 89 उप स्वास्थ्य केंद्र, तो बड़ो बजट 1,00,000-2,00,000 रुपए की बात कर रहे हो, करोड़ 2 करोड़ करो, 1,000 करोड़ रुपया उदयपुर वाटी का 100 साल का पानी व्यवस्था, पीपा का पानी को 100 साल को। नवलगढ़ की जनता जाना ही और दखो दे दी हो, क्यों कसोग है अड़कांगा, एक हॉस्पिटल के ऊपर नाम लिखे डो BJP वाला को, एक हॉस्पिटल बता दो, उप स्वास्थ्य केंद्र बता दो, CSC बना लो, ट्रोमा बात करवा क्या जो रहा है, बोले 2 वर्ष में कलयुग आगो, सारो को सारो, पहले तो सतयुग चाल रहे हो, सारो को सारो। अब सबसे पहली बात यह है कि ये जनप्रतिनिधि का दायित्व है, उसकी ड्यूटी है। बजट तो हर साल ही पास होता है, सक्षम आदमी वो होता है जो बजट को अपने क्षेत्र में ले आए। ये उस कैंडिडेट की, उस जनप्रतिनिधि का ये पुरुषार्थ होता है कि वो अपने क्षेत्र में कितना बजट ले आए। बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप नगर पालिका में सारे बुद्धिजीवी बैठे हो, प्रमुख साहब एक कमेटी बनाई आप, और कमेटी के अंदर आप ये फैसला, इस उदयपुर वाटी विधानसभा के अंदर कॉलेज हमने 2 बना दिए, चाहे ट्रोमा हो गया, चाहे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की बात हो गई, चाहे दूसरे और स्टेडियम की बात हो गई, जो बात आगे हम इस सरकार से और क्या क्या उपलब्धियां और हासिल कर सकते हैं, इसके लिए आप बैठ कर आप मुझे प्रपोजल देना, आपका कागज आप बैठ के, ये हमारी उदयपुर वाटी के अंदर हम ये अचीवमेंट विकास के और कीर्तिमान ले सकते हैं, उसके लिए आप बड़ा कमेटी और उसमें जो भी स्पेशलिस्ट हैं, जो भी अनुभवी लोग हैं, जो भी पुराने जनप्रतिनिधि हैं, जो वर्तमान हैं, सभी समाज के जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको आप लेके और आप मुझे वो राष्ट्र बताइए। जनता माँ बाप होती है, जनता ये जो आप ये सोच रहे आशीर्वाद,
ये आशीर्वाद आप लोगों ने दिया था मुझे, ये काम करने की ताकत आपसे मिली है मुझे। राजस्थान के मुख्यमंत्री यहां है उदयपुर वाटी के अंदर, गुड्डा के अंदर, और यहां के विधायक को बोलने का अवसर नहीं मिले। नीम का थाना का विधायक आप पंचायती करे, काय की राजनीति है, क्या रिजल्ट है? मैं पूछना चाह रहा हूं, बोलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। काम करते चुनाव कितने चुनाव लड़े उनमें रिजल्ट क्या है, तो उदयपुर वाटी की जनता एक बार चक्कर में आ गई, सबको पता है। प्रमुख साहब बता रहे थे कि आज तक ऐसा वोट कभी नहीं पड़ा, पड़ गया और कुमार बड़ा उतर गया, ठीक है, अच्छी बात है, कहां दिक्कत है? नोलगढ़ वालों ने कुंवारा रख दिया था, उदयपुर वाटी वालों ने उतार दिया कुंवार बना, अच्छी दिक्कत है, कहां दिक्कत है? उतार दिया, नवलगढ़ में नहीं तो उतरता कुंवार बना। आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से एक नहीं दो नहीं तीन बार आपने विधानसभा का मुंह दिखाया, आपके आशीर्वाद। उदयपुर वाटी के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, छोटी छोटी स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं के लिए इनको जयपुर अजमेर जयपुर या बीकानेर या सीकर नहीं भगना पड़े, झुंझुनू नहीं जाना पड़े, और यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा दे पाए, ये हमारा कर्म भी है, हमारा धर्म भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। और ये मामला कोई राजनीति का नहीं है, मेरा तो आप सारे लोगों से बरसों से आपका आप सारे लोगों के बीच में रहूं, हो सकता है मेरे से कोई गलती भी हो जाए, तो आप सबका अधिकार है। जिस दिन राजेंद्र गुड्डा को चूक करे तो आप मेरे से उम्र में बड़ा हो छोटे भाई की तरह, और जो छोटा हो बड़े भाई की तरह मुझे आराम से कह सकता है तो ये यहाँ गलती करे, हम उसको ठीक कर लेंगे, किसी से भी हो सकती है। हमें जो जानकारी मिलती है तो बेड़ो बन पड़ा गेराओ खाएडो सांप को खाएडो बावड़ा है, और ये जनता को चेपड़ो बावड़ा, गलत फहमी में कोई नहीं रहना चाहिए, ईमानदारी की बात है, यहाँ को चेपा तो बेरो गुड़पड़ बंद है, अरे वहां मैं भी चिपे रहा तो ये किसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि बीजेपी के लोग क्या मुंह दिखा रहे हैं। अरे 7 महीने से तो किसान तुम्हें रो रहे हैं हाईवे के ऊपर बैठे, 7 महीने के धरने के भी देखे थे क्या, सुने थे क्या? किसानों की ये सरकार नहीं, मजदूरों की ये नहीं, अल्पसंख्यकों की ये नहीं, इन्होंने बात करने के अलावा बेरोजगार की सेना खड़ी कर दी है इन्होंने। जितनी बेरोजगारी का रेशा इस बीजेपी के राज में आज है, ईमानदारी की बात है, लोगों की गाड़ियों की किस्तें नहीं चुक रही, आप जाके पूछ लो पेट्रोल और डीजल के दाम किस लेवल पर चले गए, किस लेवल पर स्थितियां खराब हो गई, गरीब आदमी की क्या स्थिति बन गई आज। तो ये हकीकत है कि ये इज्जत से बेचारा गरीब आदमी बैठा है, किसी के मुंह के ऊपर इस टाइम में चेचाटी नहीं है, स्थितियां बहुत खराब है, और इसके लिए मैं तो ये विपक्ष के लोग राजनीति दे करके इसमें यदि सहयोग करते तो ज्यादा अच्छा। और मैं मेरे कल मैंने एक दिन कोई बता रहा था कि सारे ही चोर है, यहाँ तो ईमानदार एक ही आदमी है, बाकी सारे चोर ही है। अरे कलयुग तो सिर्फ 2-2.5 साल में आ गए, उससे पहले तो सत्युग ही चल रहा था, सारा का सारा सत्युग ही था। लेकिन कलयुग के अंदर तो ट्रोमा आ गया, कॉलेज आ गई, तहसील आ गया, इसके अंदर तो रिको आ गया, इसके अंदर तो जितने काम हुए कलयुग में आ रहे हैं। और ये जो बातें करने वाले लोग, यदि हमने अच्छे काम के करेंगे तो जनता मौका दे देगी, नहीं अच्छे काम करेंगे तो घर भेज देगी, जब भेजते आइए यहाँ तो आप देख लो ना, इसमें कहने सुनने की जरूरत ही कहाँ है। मुझे जो भी ताकत है मेरे अंदर, इस सारी की सारी ताकत आप लोगों की मुझे दी हुई है, उधार उधार उधार। जखे दिन थाने जरूरत पड़े थाने के ब्याज पे ब्याज लगा मांग लीजिए, बोल बस्ती माता की जय। और एक ही चीज है, उधार है ताकत, जनता माँ बाप है। राजेंद्र गुड्डा को उदयपुर वाटी विधायक के रूप में जाना जाता है, मेरे माँ बाप के नाम से नहीं जाना जाता। इसी तरीके से हम जनता को घमंड दिखाएंगे, जनता को ताकत दिखाएंगे, जनता को तो जनता की हाय निकलेगी उसकी, वो भी यही बोलेगी इनका सत्यानाश जाए, वो भी यही बोलेगी, कौन बोलेगी बोलू। तो अभी उदयपुर वाटी गुड्डे कार्यक्रम है, और मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा कंपटीशन तो मेरे खुद से ही है,
मैंने पिछली बार जो काम किए मैं उन कामों का रिकॉर्ड कैसे तोड़ूं। मुझे तो एक ही चीज का दुख है कि मैं इस कोविड के वजह से 15 महीने बर्बाद हो गए, 15 दिन काम करने के लिए नहीं मिले।